देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सेट का? देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, मॉड ए इक्वल टू एम, मॉड बी इक्वल टू एन, एंड मॉड ऑफ पी ए माइनस मॉड ऑफ पी बी इक्वल टू दिया है 112। देन चूजन द रॉन्ग ऑप्शन। याद रखिएगा, रॉन्ग ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है, राइट वाला ना लगा दें। कौन सा रॉन्ग है? यानी तीन राइट right होंगे इसमें। मॉड ए डिनोट, अब इसमें लिखा है वेयर मॉड ए डिनोटेड द कॉर्डिनलिटी ऑफ ए एंड पी ए डिनोटेड द पावर सेट। मतलब अगर मान लो ए में दो एलिमेंट है तो पी ए में कितने होंगे? फोर होंगे, क्योंकि टू की पावर टू ये सबसेट है। अब ये 112 है तो एक बात पक्की है कि मॉड ए को हम बोलना है एम और मॉड बी को हम बोलना है एन। तो एम और एन कुछ ऐसा होना चाहिए, टू की पावर में होगा, टू की पावर एम और ये टू की पावर एन। यानी आप ऐसा बोल सकते हो टू पावर एम माइनस टू पावर एन इक्वल टू 112। तो एक ऐसा फिगर आप लॉजिक से भी सोच सकते हैं बड़े इजीली कि एम और एन क्या हो जो 112 मिल जाए। अगर मान लो मैं बोलूं एम की वैल्यू 6 है तो 64 होगा? नहीं होगा। मैं एम की बोलूं बोलूं 7 है तो 2 की पावर 7 होता है 128। अब 128 में क्या सबट्रैक्ट करें कि 112 आ जाए? तो 2 की पावर 4 तो मिल गया, मतलब एम मिल गया 7, एन मिल गया 4। बड़े ही लॉजिक से आप इजीली बता सकते थे। अब ऑप्शन देखिए, जैसे एम प्लस एन 11, ये सही है इसलिए आंसर नहीं है, रॉन्ग पूछा है। यहां पर आए 8 माइनस 7 1 होता है, ये राइट है इसलिए आंसर नहीं है। यहां पर आए 14 माइनस, ये 1 नहीं होगा, यही आंसर है क्योंकि ये रॉन्ग है और रॉन्ग पूछा है। यहां पर जाओगे तो देखो 12 माइनस 7 5, ये भी सही है इसलिए आंसर नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करके समझ के करेंगे पीसफुल माइंड से, आपसे क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा।